शाहिद कपूर ने अपने दो दशक के करियर में केवल दो आधिकारिक रीमेक पर काम किया है। जर्सी और कबीर सिंह 2019 की सबसे बड़ी कमाई में से एक। रीमेक को एक अभिनेता के लिए मुश्किल माना जाता है, जिसे एक सहयोगी द्वारा पहले से ही किए गए चरित्र में मूल्य जोड़ना चाहिए। हालांकि शाहिद का मानना कि अपनी हिट फिल्मों का निर्देशन करना एक अधिक चुनौतीपूर्ण यात्रा है। दोनों ने अपनी दक्षिण की हिट अर्जुन रेड्डी और जर्सी के हिंदी रीमेक का निर्देशन किया। शाहिद कहते हैं, एक अनुकूलन क्षमता को फिर से खोजा जाना चाहिए। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि रीमेक इस तरह से किया जाता है कि पात्रों को नया लगता है या सांस्कृतिक लोकाचार, मनोदशा और संवाद समय के साथ नवीनीकृत हो गए हैं। यह सब नया और अनूठा है। एक कलाकार के रूप में आप मूल की सराहना करते हैं, लेकिन जब आप अपना खुद का संस्करण भी ढूंढते हैं, आप एक अनुकूलन में अभिनय करते हैं। कबीर सिंह और जर्सी मेरे अनुभव थे। मैंने ऐसा नहीं किया होता अगर मुझे फिल्म के निर्माताओं द्वारा ऐसा करने के लिए मजबूर किया जाता। मैंने इसे अपनी मेज पर मना कर दिया। शाहिद ने संदीप और गौतम के बारे में कहा, बनाने की प्रक्रिया, संदीप ने पाया किसी अन्य अभिनेता के साथ अपने आविष्कार के लिए अपनी खुद की जीवंतता लाना मुश्किल है। ऐसे में कबीर सिंह मुश्किल में थे। संदीप वास्तव में ईमानदार थे और उन्होंने मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति दी। उसने मेरा काम देखा और मुझ पर भरोसा किया। गौतम जर्सी का रीमेक बनाना चाहते थे और फिल्म का ताना बाना बदलना चाहते थे। जब तक हमें फिल्माने का मौका मिला, तब तक यह एक नाटक की तरह नहीं लगा।